जय हिंद मेरे भाइयों और उनकी बहनों, कैसे हो आप सब। मैं आपका आईसी इंस्पेक्टर। मैं जानता हूँ बहुत दिन से वीडियो नहीं आई, आप लोग सब इंतजार कर रहे थे बहुत। मेरे पे टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे थे, सर किसी एक टॉपिक के, अच्छे टॉपिक के बारे में वीडियो बनाइए, पर मैं थोड़ा बिजी था इधर उधर कुछ कामों को लेके। तो मैंने सोचा आज टाइम निकालता हूँ, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके वीडियो बनाने आया हूँ, जिसके बारे में पब्लिक डोमेन में बहुत कम जानकारी है। जो नए एस्पायरेंट है उनके बारे में, उनको बहुत कम जानकारी है इस बारे में। तो मैं बिल्कुल आपके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, तो उन चीजों को लेकर, जिससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना, जो लोग भी जीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर लेना चाहते हैं, जो लोग भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो भी अभी एस्पायरेंट है जिन्होंने ले लिया है। लोग नौकरी तो ले लेते हैं, डिपार्टमेंट भी ले लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बहुत ज्यादा एग्जरेट करते हैं चीजें। तो ये सब होता है क्या, ये फेक प्रोपोगेंडा होता है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और ये बस्ट जरूर होना चाहिए। लोग आपको अच्छी अच्छी ज्यादा ल्यूक्रेटिव चीजें बताएंगे। ल्यूक्रेटिव चीजें होती है, पर उनकी भी एक लिमिट होती है। अगर आप एक ग्रुप बी की नौकरी में जा रहे हो, तो आपको उससे उम्मीद है ग्रुप बी की होनी चाहिए, ग्रुप ए की नहीं होनी चाहिए, ना ग्रुप सी की होनी चाहिए, ना ग्रुप डी की होनी चाहिए। तो बहुत सारे मैं मिथ भी बस्ट करूंगा, और मैं आपको आज मेन बात बताने आऊँ कि जो भी जीएसटी इंस्पेक्टर है, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर है, इसकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है, आपका बेसिकली काम क्या होता है उसमें, और किस किस डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हो, और बिल्कुल एग्जैक्ट कैसे आपकी पोस्टिंग होती है, कहाँ आपको क्या होता है, क्या काम करना होता है, बिल्कुल मैं डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और इसे वीडियो को शेयर जरूर करना, ये मैं आपसे बोलूंगा। ये पीछे वर्दी टंगी हुई है, इसे बाद में देख लेना, मुझे पता है बहुत सारे यंग एक्सपेरेंट इसे देख के मोटिवेट हो रहे हैं, इसे बाद में देखना, पहले मेरी बात सुनना। तो मैं बात करता हूँ कि जो लोग भी सीजीएल से जीएसटी इंस्पेक्टर, काफी एक हॉट पोस्ट हो चुकी है, जिसे सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर कहते थे, कस्टम इंस्पेक्टर भी कहते हैं। तो आप सबको पता है मैं 2019 से उसमें पोस्टेड हूँ, मेरठ जोन में ही हूँ, ग्रेटर नोएडा कमिश्नरेट में, उसके डिवीजन बरेली में उस वक्त मैं फिलहाल। तो मैं बात करूंगा कि जब आप इंस्पेक्टर लग जाते हो, तो आपका काम क्या होता है, कहाँ पोस्टिंग होती है आपकी। क्योंकि एक मैं बात बता दूं, ये जो डिपार्टमेंट है बहुत ज्यादा वास्ट डिपार्टमेंट है, बहुत ही ज्यादा वास्ट डिपार्टमेंट है, और इसमें जो अलग अलग जगह आपको सर्व करने का मौका मिलेगा, वो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग होता है, और काफी कभी भी मोनोटोनस नहीं होता। तो ये एक फायदा है इस जॉब का बहुत ज्यादा, जितनी भी हम और सीजीएल की पोस्ट से कंपेरिजन करें, तो इसमें काफी ज्यादा आपको अलग अलग जगह सर्व करने का मौका मिलता है। सपोज सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सपोज जैसे आपका रिक्रूटमेंट हुआ, उसके बाद आप जो भी आपको जोन मिला, वो जो चीफ कमिश्नर का जोन, जोन का चीफ कमिश्नर होगा, वो आपको अपॉइंट कर लेगा। अपॉइंट करने के बाद आपको उस जोन की एक कमिश्नरेट मिल जाएगी, कमिश्नरेट मिल गई अब आपको उस कमिश्नरेट के हेडक्वार्टर में जाके ज्वाइन करना है। वहां से आपको डिवीजन अलॉट होंगी, पहले कमिश्नरेट अलॉट हुई चीफ कमिश्नर ऑफिस से, उसके बाद आपको कमिश्नरेट अलॉट होगी, कमिश्नरेट अलॉट होगी, उसके बाद आपको डिवीजन अलॉट हो जाएगी। अब आपको डिवीजन अलॉट हो गई, अब आपका सबसे पहला काम क्या है, अब वहां से क्या होता है, चीफ कमिश्नर ऑफिस से जनरली क्या होता है, आप लोग सब जानते होंगे बोर्ड है जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसके अंदर जीएसटी भी आता है, जैसे अब जीएसटी इंस्पेक्टर बोलने लगे, इसके अंदर सर्विस टैक्स भी आता है, इसके अंदर कस्टम्स भी आता है, इसके अंदर एक ऑडिट होता है इसी डिपार्टमेंट का, वो भी आता है, इसके अंदर एक डीजीजीआई होता है, डीआरआई होता है, ये सब मैं आपको भी विस्तार से बताऊंगा। तो ये सब चीजें होती हैं, तो आपको बहुत अलग अलग पोस्टिंग काटने का मौका मिलता है। चीफ कमिश्नर ऑफिस से जनरली क्या होता है, नए बंदों को जीएसटी दे देते हैं कि आप जीएसटी में आपको अलॉट कर दिया गया। बहुत कमिश्नरेट्स में क्या होता है, बहुत जोन में क्या होता है, डायरेक्ट आपको कस्टम भी अलॉट कर देते हैं, वो हर जगह का अलग अलग है, जनरली जीएसटी देते हैं। मैं आपको जीएसटी से स्टार्ट करता हूँ, जैसे मुझे भी जीएसटी मिला है अभी, तो जीएसटी मिला हमें, उसके बाद आपका एक इंस्पेक्टर की पोस्टिंग होती है जीएसटी की डिवीजन के अंदर, एक रेंज के अंदर। रेंज क्या होता है, डिवीजन का ही सब पार्ट होता है रेंज, जैसे एक डिवीजन है उसमें 5 रेंज 6 रेंज 7 रेंज ऐसे अलग अलग होती है, तो उस रेंज का आपको चार्ज मिल जाता है, जो आपका उसमें रिपोर्टिंग अथॉरिटी होता है, जो एक्चुअली उस रेंज का इंचार्ज होता है, वो एक सुपरिटेंडेंट होता है, जो आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी होती है आपकी नेक्स्ट लेवल की। उसमें आपको क्या होता है, जैसे एक जनरली अब जैसे पॉसिटी चलती है उसकी स्ट्रेंथ की, तो एक सुपरिटेंडेंट के अंदर 3 3 4 4 2 2 रेंज आती है, तो उसमें अलग अलग इंस्पेक्टर को एक रेंज अलॉट कर दी जाती है। ध्यान रखना रेंज सेंसिटिव पोस्टिंग होती है, इसमें एक ये भी कंसेप्ट होता है कि आप 2 साल सेंसिटिव रहोगे तो फिर आप 2 साल नॉन सेंसिटिव रहोगे। सेंसिटिव पोस्टिंग में कुछ पोस्टिंग काउंट होती है, नॉन सेंसिटिव में कुछ अलग पोस्ट काउंट होती है। आप रेंज में पोस्ट हो गए, ये ध्यान रखना, इस डिपार्टमेंट की सबसे जो जान होती है और जो सबसे बेसिक चीज है, जो बिल्कुल कहते हैं नींव होती है, जहां से आप काम करना सीखेंगे, वो रेंज ही होती है। तो रेंज में आपकी पोस्टिंग होगी, उस रेंज में आपके नंबर ऑफ एसएससीज होंगे, पहले नंबर ऑफ पार्टीज बोलते थे, बट अब नंबर ऑफ एसएससीज जो जो वहां पे बिजनेस का, तो वहां पे क्या होगा, आपको स्क्रूटनी करनी होती है रिटर्न्स की, जिन्होंने रिटर्न्स फाइल करें अपने, उनकी स्क्रूटनी करनी होती है, कोई दिक्कत होती है तो उसमें किसी ने टैक्स की चोरी करी है, कुछ करी है, तो उसमें फिर आपको शो कॉज नोटिस देना होता है। उसके डिपार्ट शो कॉज नोटिस एकदम से नहीं जाता, उससे पहले डीआरसी 0103 ASMT 10 ये सब चीजें होती हैं, ये फॉर्म्स के नाम होते हैं, ये जनरली एक तरह से नोटिस होते हैं जो आपको देने होते हैं। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न करनी होती है, कोई नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने आया, तो होता क्या है कि आपकी SSOID बन जाती है, एक पोर्टल है सीबीआईसी का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का, हर ऑफिसर की, इंस्पेक्टर से लेकर हर ऑफिसर की एक SSOID होती है और पासवर्ड होता है।
उस पोर्टल पे आपकी जो भी रेंज है आपका सारा उसमें डेटा होता है, नंबर ऑफ एसएससीज क्या है, सारी उनकी डिटेल होती है, क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कोई लेने आया तो वो चीजें आपको देखनी होती है, तरह तरह के काम होते हैं। रेंज बिल्कुल जो है बेसिक स्ट्रक्चर होता है और वो उसमें ही सबसे पहले आदमी को जाना चाहिए, और ये सेंसिटिव भी होती है, आप लोग समझ रहे मैं क्यों कह रहा हूँ। तो आप रेंज में आ गए, रेंज में क्या है, अब सब रेंज में पोस्टेड नहीं होते, मैक्सिमम आजकल नए लड़कों को रेंज में ही पोस्ट कर रहे हैं, बट जनरली क्या होता है रेंज के अलावा भी आपको हेडक्वार्टर में पोस्ट कर देंगे, तो आपकी नॉन सेंसिटिव रहेगी। वहां क्या होगा, जनरली आपको एडमिन सेक्शन में इंचार्ज बना देंगे, तो वहां पे आपको जनरली ऑर्डर्स बनाने होते हैं, रिपोर्ट्स बनानी होती है, उसमें कुछ काम नहीं होता, वो मतलब एक तरह से मोनोटोनस काम माना जाता है, पर जनरली वो नॉन सेंसिटिव पोस्टिंग होती है, वो एक आध बार ही काटता है आदमी अगर जो इंटेलिजेंट होगा, यंग होगा। आपने रेंज में पोस्टिंग काट ली, सपोज करिए, तो रेंज में पोस्टिंग काट ली, उसके बाद अगर मैं मेरिट जोन की बात करूं अपने की, तो आप 2 साल सपोज करो जीएसटी में रह लिए, 2 साल जीएसटी में रह लिए, उसके बाद यहाँ पे फिर आपको, अब आपके लिए ऑप्शन खुल जाएंगे, अब आपका नंबर जो है, अब आपका जो चांस है वो ऑडिट या कस्टम में आने का हो जाएगा। अभी ऑडिट और कस्टम क्या है, ऑडिट हमारे डिपार्टमेंट का एक होता है जिसकी कमिश्नरेट अलग होती है, जीएसटी कमिश्नरेट अलग हो गई, ऑडिट कमिश्नरेट अलग हो गई। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के सर्कल्स होते हैं, और सर्कल्स में अलग अलग ग्रुप होते हैं, जैसे एक ग्रुप हुआ तो उसमें एक सुपरिटेंडेंट होगा, 2 या 3 इंस्पेक्टर होंगे, ये ग्रुप हो गया। तो अलग अलग जगह की आपको अलग अलग फर्म्स की ऑडिट करनी होती है, और इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो टारगेट है वो टारगेट है कि आपको महीने में 4 ऑडिट करनी करनी है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको मेमो सर हो जाएगा, मेमो जो लोग जानते होंगे, मेमोरेंडम सर हो जाएगा, तो आपको 4 तो ऑडिट करने ही करने हैं। इसके लिए आपको इधर उधर थोड़ा ट्रेवल भी करना होता है, ये काफी अच्छा काम होता है और इसमें आपको रिस्पेक्ट भी काफी मिलती है, और थोड़ा सेंसिटिव भी काम होता है, तो आपको इसमें ऑडिट करने होते हैं फर्म्स के, 4 तो करने ही करने हैं और उससे भी ज्यादा करते हैं। तो आपने सपोज करो ऑडिट में 2 साल काट लिया, तो आपने जीएसटी में काटा, वहां पे आपने अलग काम सीखा, रेंज से सीख लोगे काम, तो उसके बाद ऑडिट बहुत आसान हो जाएगा। ऑडिट के बाद अब आपकी सपोज करो टर्न आई कस्टम्स में, तो अब लोग जानते हैं कस्टम, लोगों को लगता है कि बस कस्टम जो है सिर्फ एयरपोर्ट पे होता है, ऐसा नहीं है, कस्टम में अब आपकी पोस्टिंग होगी, अगेन ये एक सेंसिटिव पोस्टिंग होती है। कस्टम में क्या काम होता है भाई, जो हमारे एयरपोर्ट होते हैं उस पर तो आपने देखा है, जो व्हाइट वर्दी वाले होते हैं बेसिकली वो कस्टम का बिल्कुल ही अलग पार्ट बना दिया, पीओ जिन्हें प्रिवेंटिव ऑफिसर कहते हैं। तो जो साउथ में लोग हैं, साउथ के जो जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहां पे, तो वो सब पीओज होते हैं, जो प्रिवेंटिव ऑफिसर जिन्हें कहते हैं, पर जितने भी नॉर्थ में पीओ और ये अलग अलग नहीं है, तो जो हमारे ही बोर्ड के लोग हैं यानी कि जो हम सीबीआई इंस्पेक्टर जिसे कहते हैं, तो वही कस्टम में ही जाता है, और यहाँ पे जनरली व्हाइट वर्दी नहीं चलती है। आप जैसे दिल्ली एयरपोर्ट है, दिल्ली इंदिरा गांधी, वो दिल्ली कस्टम्स के अंदर आता है, तो जो दिल्ली जोन का एक्साइज इंस्पेक्टर है वो वहां पे पोस्टेड होता है। और ऐसे ही अब जैसे हमारा मेरठ जोन है, मेरठ जोन में भी, तो अगर मैं बड़े एयरपोर्ट की बात करूं तो लखनऊ एयरपोर्ट आता है, वो भी लखनऊ में, मेरठ जोन में भी नहीं है, छोटा मोटा एयरपोर्ट कोई हो तो शायद हो, शायद देहरादून वगैरह ये, हाँ ये है, बट ये नहीं। पर अब जो आने वाला है वो इस जोन के लिए बहुत अच्छी खबर होने वाली है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जैसे जेवर एयरपोर्ट नोएडा में बन रहा है, वो हमारे अंदर ही आने वाला है। तो वहां पे जितनी भी आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस पर आपको नजर रखता है कस्टम, और जनरली स्मगलिंग पे ध्यान देता है कि कोई गोल्ड तो लेके नहीं आ रहा, नार्कोटिक्स तो जनरली कोई लाता नहीं है, नार्कोटिक्स का अलग सीन होता है, वो भी अभी आगे बताऊंगा, तो कोई गोल्ड तो नहीं ला रहा है, अलग अलग चीजों में आपने देखा होगा न्यूज में, कहीं कहीं छुपा के लाते हैं, कोई रेक्टम में छुपा के ला रहा है, कोई किसी में चीज में छुपा के ला रहा है, वहां पर स्कैनर मशीन होती है, वो चीज आपको देखनी होती है, तो आप कस्टम में रह सकते हो। इसके अलावा क्या है, कस्टम सिर्फ अब एयरपोर्ट नहीं है, कस्टम में 2 चीज और होती है, क्या है वो, सबसे पहले मैं बात करूंगा आईसीडी, इनलैंड कस्टम डिपो। इनलैंड कस्टम डिपो होगा, आपने कहीं देखा होगा, अलग अलग जगह होते हैं, इनलैंड कस्टम डिपो एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहां पे कंटेनर्स जो सब इंपोर्ट होते हैं हमारे यहाँ पे वो आके एक जगह रखे जाते हैं, यानी कि इनलैंड कस्टम डिपो स्टेशन होता है, एक डिपो होता है बहुत बड़ा जहां पे हजारों तादाद में कंटेनर्स होते हैं, तो वहां पे कस्टम्स वाले ही रहते हैं। जैसे मेरठ जोन का एक दादरी ग्रेटर नोएडा में कस्टम आईसीडी है, एक लोनी में है, और एक मुरादाबाद में है, तो इनलैंड कस्टम डिपो जिन्हें कहते हैं, तो यहाँ पे बहुत अलग अलग, ये भी सेंसिटिव अगेन पोस्टिंग है, तो यहाँ पे आपको जितने भी उनकी सबकी चेकिंग करनी होती है सारी, आपको टाइम टू टाइम आपको निकालने होते हैं, सारा काम होता है वहां पे, आपको उनके बिल्स देखने होते हैं, सारी चीज होती है, तो उसमें कुछ अलग तो वो नहीं आ गया है, कोई स्मगलिंग तो नहीं होगी, कस्टम कंटेनर में आ गया, कंटेनर आगे सिटी में निकल गया, तो आप उसके लिए जवाबदेह हो जाओगे, जिम्मेदार हो जाओगे। तो एक ही होती है आईसीडी, इनलैंड कस्टम डिपो। एक होता है एलसीएस, एलसीएस होता है लैंड कस्टम स्टेशन। ये क्या होता है, जितने भी आप सपोज करिए, आप इंडिया का जो नक्शा है, नक्शा हमारा उनसे भी मिलता है, क्या बोलते हैं, दूसरे कंट्री से भी मिलता है, वहां से भी हमारी ट्रेड होती है, तो जिनसे हमारी लैंड बाउंड्री मिली हुई है उनसे भी तो हमारी ट्रेड होती है, तो जो वहां पे माल को चेक करेगा, जो माल कौन सा आ रहा है कौन सा जा रहा है, वो एलसीएस लैंड कस्टम स्टेशन होते हैं, जहां पे कस्टम रहती है। तो हमारे जोन की अगर बात करी जाए, तो हमारा नेपाल से बॉर्डर लगा हुआ है, जो भी इंडो नेपाल बॉर्डर है पूरा मेरठ और लखनऊ जोन के अंदर आता है, और जो बिहार से टच है वो बिहार जोन के अंदर आता है। तो मेरठ में एलसीएस है ज्यादा, इसका जो है वो लखनऊ जोन में है। जैसे एक नेपालगंज बॉर्डर है जहां पे हम गए भी थे, तो वहां पे नेपालगंज वो इंडो नेपाल बॉर्डर है, तो वहां से क्या चीज का इंपोर्ट होता है, क्या एक्सपोर्ट होता है, वो सब चीजें देखनी होती है, तो वहां पे एलसीएस में आपकी पोस्टिंग होती है। वे बिहार में एक रक्सौल जगह है वहां पे, और एक सिंगरौली बॉर्डर
ऐसे ही कुछ करके है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव बॉर्डर है वो, इंडो नेपाल से लगता है, वो लखनऊ जोन में आता है। तो यहाँ पे एलसीएस के मौके कम है मेरठ जोन में, पर यहाँ आईसीडी बहुत अच्छी अच्छी है। जैसे मैंने आपको बताया दादरी में है, मुरादाबाद में है, लोनी में है, एक पंतनगर में भी है देहरादून के पास, मतलब उत्तराखंड में पड़ती है वो। तो आपको कस्टम में यहाँ मौका मिलेगा, बहुत हैपनिंग जॉब, मतलब हैपनिंग क्या, मतलब अच्छी जॉब होती है, सेंसिटिव भी होती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका छुट्टी का ऐसा सिस्टम नहीं रहता, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी वो रहेगी, क्योंकि 24 आवर्स की नौकरी है, 24x7। तो ऐसा नहीं है कोई नौकरी है होली दिवाली, यहाँ पे फिर शिफ्ट में नौकरी लगती है। ऐसा नहीं है अगर आपकी शिफ्ट में लगी और दिवाली है कि आप, मैं तो छुट्टी पे नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपको करनी है जॉब तो करनी है, क्योंकि आपको पता है ट्रेड तो कभी रुकती नहीं है, नहीं रुकेगी, ये मेन कामों में होती है चीज। अब आपने कस्टम में काट लिया, अब आप कस्टम भी देख लिया, आपने जीएसटी भी देख लिया, उसके बाद आपने ऑडिट मैंने बताया वो भी देख लिया आपने। अब मैं आपको दो डायरेक्टरेट्स के नाम बताऊंगा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस और ये सब सुना होगा। इन चीजों के बारे में लोगों को बहुत कम नॉलेज है और मुझे भी बहुत कम थी, पर ये बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना थ्रिल थ्रिल से भरी हुई जॉब रहती है इसमें। एक मैं सबसे पहले बात करूंगा DGGI, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। जीएसटी का ये एक डायरेक्टरेट है इंटेलिजेंस का, जिसमें आपको जाने का मौका मिलता है। ये इसी बोर्ड का पार्ट है, इसी का डिपार्टमेंट है। ये जनरली बड़े केसेस करता है, कहाँ पे टैक्स की चोरी हुई, कहाँ टैक्स की चोरी नहीं हुई, बड़े बड़े केसेस। ऐसे नहीं कि ये कुछ लाखों में, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़। इसमें जो हमारे डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा, पर जो ऑफिशियल्स किसी प्रोहिबिटेड एक्टिविटी में इंडल होते हैं तो उन्हें भी पकड़ती है, तो डीजीजीआई पकड़ती है। काफी केसेस हुए हैं इस बारे में, तो डीजीजीआई में आपको काम करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। मेरठ जोन की मैं बात करूं तो डीजीजीआई एक तो देहरादून में है, एक गाजियाबाद में है और एक मेरठ में है, तो यहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। मैं ये सजेस्ट करूंगा, मैं भी अभी नया हूं, तो जब इसमें आदमी को थोड़ा टाइम हो जाए, जीएसटी भी देख ले, कस्टम भी देख ले, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, तब इन चीजों में जाने के सोचे, 4-5 साल की नौकरी हो जाए तो थोड़ा एक्सपीरियंस गेन हो जाता है। अब एक और डायरेक्टरेट का नाम आता है, ये अगेन बहुत पावरफुल डायरेक्टरेट है, जिसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI। ये अपने आप में इसका नाम ही बहुत है, जो लोग इस एजेंसी को जानते हैं उनको ये पता होगा। डीआरआई का काम क्या होता है, डीआरआई का काम होता है सिर्फ और सिर्फ एंटी स्मगलिंग को रोकना, गोल्ड की स्मगलिंग को रोकना और नार्कोटिक्स की स्मगलिंग को रोकना। और ये कुछ छोटे लेवल पे नहीं रोकता है, ये जनरली क्या इंटेलिजेंस एजेंसी, जैसे आपकी रॉ हुई, आईबी हुई, तो यही इसी तरह से बिहाइंड द डोर एक तरह से, मतलब विदाउट कोई नॉलेज, मतलब उसमें कोई मीडिया में कोई कवरेज नहीं आएगा, इस तरीके से काम करता है। ये बता दूं, इंडिया में सिर्फ 4 से 5 एजेंसीज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दे रखी है जो फोन टैपिंग कर सकती है, उनमें से एक DRI है। तो ये बहुत ज्यादा, इससे आप समझ जाइए कि क्या प्रेस्टीज है इस, क्या प्रेस्टीज है इस डायरेक्टरेट की जो हमारे अंडर आती है DRI, जिसमें हम लोग ही जाते हैं। तो जिसे फोन टैपिंग की पावर मिली है, जैसे रॉ को मिली हुई है, आईबी को मिली हुई है, मिलिट्री इंटेलिजेंस को मिली है, ऐसे DRI को मिली हुई है। इसका सिंपल काम ये एंटी स्मगलिंग को रोकना। जनरली आप जितने भी देखोगे बड़े बड़े खेमे पकड़े जाते हैं गोल्ड के, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 30 किलो, ये सब DRI पकड़ती है। कहां से पकड़ती है ये, इनको इनपुट्स मिलते हैं, इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग करती है, फोन टैपिंग करती है। तो इसमें जैसे अगर किसी, मतलब हमारे ऑफिसर ने किसी ने, मतलब काहूट करके किसी भी एजेंसी या किसी भी फर्म के साथ करके उसने माल निकलवा दिया, कुछ कर दिया, तो उन्हें भी पकड़ने का। तो मैं आपसे DRI की बात कर रहा था, तो DRI ने बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा था जो अडानी एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था, तो आपने देखा होगा वो बहुत मीडिया में हाईलाइट हुआ। तो जब आप लोग देखते होंगे आप सोचोगे NCB तो पकड़ती है, पर NCB से भी ज्यादा, जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो है, उससे भी ज्यादा बड़े बड़े जो कंसाइनमेंट्स होते हैं नार्को के, वो DRI पकड़ती है। तो इसमें अलग अलग जगह ट्रेवल भी करना होता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी होती है, मतलब एक तरह से आप ये सोचोगे काफी, मतलब थ्रिलिंग जॉब होती है एक तरह से। और इस डिपार्टमेंट का अपने आप नाम ही बहुत है, इसका पिंक आईडी कार्ड बनता है। पिंक आईडी कार्ड उस चीज की पहचान होती है जो इंटेलिजेंस विभाग में होता है। तो आप DRI में जा सकते हैं, इसकी अलग अलग जोनल यूनिट होती है, जैसे लखनऊ में लखनऊ जोनल यूनिट है, और हमारे मेरठ जोन में इसमें DRI नोएडा में है, ठीक है, और DRI दिल्ली में है, दिल्ली जोन के लिए। तो ऐसे अलग अलग जोन, जैसे गुजरात में है तो DRI अहमदाबाद, ऐसे रहता है। एक और होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ विजिलेंस, DGOV जिसे बोलते हैं, तो ये भी हमारे डिपार्टमेंट का पार्ट है। इसमें मुझे, मतलब इसमें, मतलब क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जिस भी विजिलेंस फाइलिंग जिसकी खुलती है, मतलब जैसे किसी भी गलत एक्टिविटी में इंडल जाए हमारा कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा, उनकी विजिलेंस फाइल खुलती है, तो उनपे जो भी विजिलेंस इंक्वायरी होती है वो DGOV वाले करते हैं, जिसमें हम ही लोग होते हैं, जो हम लोग ही जाते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ विजिलेंस में। तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा भी नहीं लगता, आप अपने ही डिपार्टमेंट के बंदों के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, पर ये कि आप लॉ से ऊपर कोई नहीं, अगर कोई भी लॉ को ओवर रूल करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए, चाहे वो अपने डिपार्टमेंट का कोई भी क्यों ना हो।
तो मैंने आपको बताया DRI हो गया, DGOV हो गया, DGGI हो गया। अच्छा एक मैं और ये बता देता हूँ आपको कि जब आप GST में होते हो तो उसमें भी हर जगह GST में डिवीजन में और हेडक्वार्टर के लेवल पे एक विंग होता है जिसे कहते हैं प्रिवेंटिव विंग, जिसे एंटी इविजन विंग भी कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, जो आप देखते हैं ना रेड में छापेमारी, और ये GST में भी जो छापेमारी करते हैं वो DGGI तो अलग है, जो उसी लेवल पे किसी जगह आपको शिकायत मिलती है कि वो टैक्स की चोरी कर रहा है, वो फर्जी बिल बना रहा है, वो सही से टैक्स नहीं दे रहा है, तो वो प्रिवेंटिव विंग जो होती है, जैसे आप GST में भी गए तो GST में आपकी रेंज में पोस्टिंग होगी और GST में आपकी प्रिवेंटिव या एंटीविजन में भी पोस्टिंग होगी। तो वो इसका इस विंग का काम होता है, जो छापे मारना या कहीं से आपको इनपुट मिला, आपको कहीं से शिकायत मिली, आपने उसे वेरीफाई किया, कोरोबरेट किया और फिर आप उसको छापे मारने गए, रेड मारने गए, जिसे सर्च करना बोलते हैं आज के टाइम में। तो वो प्रिवेंटिव विंग, उसका भी बहुत अच्छा काम होता है, अगेन वो भी सेंसिटिव माना जाता है, तो उसमें भी आपकी पोस्टिंग होती है। तो ये कहीं ना कहीं पूरा मैंने चार्ट करके बताया आपको। अच्छा मैं आपको बता दूं, जब आप DGGI में होते हो या DRI में होते हो तो इंस्पेक्टर को बोला जाता है इंटेलिजेंस ऑफिसर, और जो सुपरिटेंडेंट होता है उसे बोलते हैं सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, SIO बोलते हैं इसे। और कस्टम्स में अगर होते हो तो आपको इंस्पेक्टर बोला जाता है, पर सुपरिटेंडेंट को अप्रेजर बोला जाता है, जो लोग होंगे उसमें वो जानते होंगे। तो इस तरह से ये कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। तो मैंने कुल मिला के आपको सारी चीजें वर्क प्रोफाइल वगैरह बताई। एक और चीज क्या होती है कि आपको क्या बोलते हैं, डेपुटेशन पे भी जाने का मौका मिलता है अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे कि CBI हुआ, ED हुआ, NCB हुआ, CBN हुआ, तो अलग अलग जगह ये टाइम टू टाइम आते रहते हैं, डिमांड आती रहती है, और सबसे ज्यादा हमारे डिपार्टमेंट से ही लोग डेपुटेशन पे जाते हैं, CBI में, ED में। तो अगर आपको करना है कि आपको अलग दूसरे डिपार्टमेंट में भी काम करना है तो आप वहां पे भी जाके आपको मौका मिल सकता है 2 साल के लिए 3 साल के लिए, उसकी एक लिमिट होती है, उसके बाद आप वापस अपनी पेरेंट डिपार्टमेंट में आ सकते हो, जिसे भी और डिपार्टमेंट में भी करने का मौका मिलता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये डिपार्टमेंट जो है ग्रुप बी के हिसाब से बहुत ज्यादा वॉश डिपार्टमेंट है। आप इधर से उधर बहुत चीजें सुनते होंगे, इसमें आपको बहुत अच्छा काम करने का मौका मिलता है, पर एक्सपेक्टेशन आदमी वही लेके आए जो ओरिजिनल में होती है। आप अच्छा काम करोगे, आप में इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है, तो आप हर जगह इवन कमिश्नर तक, उससे ऊपर तक भी आपकी एक अलग पहचान होगी, आपकी एक अलग वो होगी, पर सिर्फ और सिर्फ वो आपकी अपनी कैपेबिलिटी के अराउंड। बहुत लोग देखते हैं आप ऐसा कर देंगे, आप वैसा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पावर के साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो फेक ऑप्टिमिज्म से बचे, फेक मोटिवेशन से बचे, सारी चीजें रियलिटी में रहे हमेशा, रियलिटी में जिए, और रियलिटी में ही जीना बहुत जरूरी होता है। तो ये सब चीजें बताने के बाद मैंने आपको सारे जितने भी विंग्स हैं हमारे CBIC के अंदर, जितने भी आता है, ये आपको सबको पता है कि डायरेक्ट टैक्स को छोड़ के, CBDT को छोड़ के, जो भी टैक्स मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, यानी कि हम लोग ही गवर्नमेंट सारा प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के लिए काम करके उनको टैक्स कलेक्ट करके दिया जाता है। तो अपने आप में बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट है, बहुत सारे अलग अलग एवेन्यूज है, मैंने आपको सारे बताए, DGGI, DRI, GST, कस्टम्स, ऑडिट, हर जगह आपको काम करने का मौका मिलता है, अलग अलग जगह आपको फील्ड जॉब भी है, डेस्क जॉब भी है, एक अच्छा मिक्सचर है हर चीज का, कई जगह मैंने बताया आपको, कई जगह थ्रिलिंग भी होती है, आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, हर चीज मिलती है, सारी डिटेल मैंने आपको बातें बताई। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकता है।